नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। दिल्ली लाइव के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। दिल्ली लाइव में सबसे पहले बात करेंगे जामिया इलाके में हुई हिंसा में जो प्रदर्शन सामने आया, उस दौरान वहां पर जो लोग घायल हुए उन्हें LNJP अस्पताल भर्ती करवाया गया, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। इस तरह से 36 लोगों को भर्ती करवाए गए। जामा मस्जिद इलाके में हिंसा के दौरान कई लोग घायल हो गए थे, 36 लोगों को इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में प्रदर्शनकारी और पुलिस दोनों ही शामिल बताए जा रहे हैं। पत्थर लगने की वजह से 8 पुलिस वाले घायल हो गए और सभी का LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा भड़की, उसी समय ये तमाम लोग वहां पर उपस्थित थे और हिंसा के दौरान ये लोग घायल हुए। 36 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो घायल हुए थे, जिसके बाद LNJP अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जामा मस्जिद इलाके में फैली हिंसा का ये पूरा मामला, CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन वहां पर किया गया, उस हिंसक प्रदर्शन में 36 लोग घायल हुए थे। घायल तो बहुत सारे लोग हुए थे, उनमें से 36 लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर है, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि जो मामूली रूप से चोटिल थे उन्हें तुरंत ही छुट्टी दे दी गई अस्पतालों की तरफ से, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जामा मस्जिद इलाके में हिंसा के दौरान कई लोग घायल, उनमें से 36 लोगों को इलाज के लिए LNJP में भर्ती करवाया गया। इन घायलों में न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि पुलिसकर्मी भी शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिली, प्रदर्शनकारी पत्थर बरसा रहे थे, ईंट फेंक रहे थे, पुलिस ने भी फिर लाठीचार्ज किया और इस दौरान वहां पर दोनों पक्षों के बीच जब झड़प चल रही थी, कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उन पर भी जिस तरह से पत्थर बरसाए गए उसमें उन्हें चोट लगी है, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। इन 36 लोगों में प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले दोनों ही शामिल हैं। पत्थर लगने की वजह से 8 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही जा रही है, जो इस उग्र भीड़ से निपटने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय वो चोटिल हुए। 8 पुलिस वाले ऐसे जिन्हें पत्थर मारा गया और इस तरह से पत्थर लगने की वजह से वो घायल हो गए, सभी का LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। LNJP अस्पताल में इन सभी घायलों को भर्ती करवाया गया। 36 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो LNJP अस्पताल में भर्ती है, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। ये सभी लोग CAA के खिलाफ जामा मस्जिद इलाके में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए थे। तो जामा मस्जिद इलाके में हिंसा से जुड़ी ये अहम खबर, घायलों से जुड़ी हुई ये अहम खबर। दरअसल 36 लोग ऐसे जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जामा मस्जिद इलाके में हिंसा के दौरान ये लोग घायल हो गए थे। इन घायलों में न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि पुलिस वाले भी शामिल हैं। दरअसल पुलिस वालों के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प हुई, जबरदस्त तरीके से जिस तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उस समय प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए और पुलिस ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, हमारे एसोसिएट एडिटर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, पत्थर लगने की वजह से 8 पुलिस वालों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद इन तमाम लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां उनका उपचार किया जा रहा है। क्या कहा जाए, CA के खिलाफ जो प्रदर्शन होता जा रहा है, जिस तरह से हिंसा भड़कती जा रही है, एक एक करके न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि पुलिस वाले भी इसके शिकार बन रहे हैं। जी ब्रजेश, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से जानकारी वो दे रहे थे। फिलहाल आपको अपडेट बता दें कि जामा मस्जिद इलाके में हिंसा के दौरान कई लोगों के घायल होने के बाद 36 ऐसे लोग जिन्हें LNJP में लाया गया, वहां पर उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, उनके परिजनों को इस बारे में सूचित किया गया। इन घायलों में प्रदर्शनकारियों के अलावा पुलिस वाले भी शामिल है और पत्थर लगने की वजह से 8 पुलिसकर्मी ऐसे जो घायल हो गए थे, जिसके बाद LNJP में वो भर्ती हैं, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। CA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ये तमाम लोग घायल हुए।
और इलाका जामा मस्जिद वाला रहा। जी हाँ, जामा मस्जिद इलाके में जब प्रदर्शन किया गया, बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर एकत्रित हुए और देखते ही देखते जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा था वो उग्र रूप लेता चला गया, जिसके बाद वहां उपस्थित तमाम पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए जैसे ही भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, भीड़ से बात करने की पहले कोशिश की गई, उन्हें शांत करने की पहले कोशिश की गई, लेकिन जब ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आया, उसके बाद पुलिस ने फिर बल प्रयोग भी किया और इसी दौरान झड़प हुई और झड़प के समय दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो चाहे वो पुलिस वाले हो, घायल हुए हैं। पत्थर लगने की वजह से आज पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 36 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जामा मस्जिद इलाके में भड़की हिंसा के दौरान जो घायल हुए और उन्हें LNGP अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। हालांकि कई घायल ऐसे भी जो मामूली रूप से चोटिल हुए थे, शुरुआती उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं उनका उपचार फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। LNGP अस्पताल में फिलहाल भर्ती है, जिनमें से 8 पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं। जी हाँ, 8 पुलिसकर्मी जिन्हें पत्थर लगने की वजह से घायल कर दिया गया। इस तरह से दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा भड़की और उसके बाद देखते ही देखते अन्य तमाम स्थानों पर भी हिंसा की आग भड़कती चली गई, फैलती चली गई। जामा मस्जिद इलाके से हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए, 36 लोगों को इलाज के लिए LNGP में भर्ती करवाया गया। तो नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदर्शनकारी है कि मानने को तैयार ही नहीं। प्रदर्शनकारियों को हर संभव तरीके से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो अलग अलग राज्यों की सरकारें हो, BJP हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को दरअसल बताया जा सके कि ये कानून नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला है। ऐसे में लोगों को अफवाहों से बचने की बात भी कही जा रही, अपील की जा रही है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लाइव जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, इस वक्त ब्रजेश मौजूद है। ब्रजेश, सबसे पहले तो ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए, जामा मस्जिद इलाके में जो हिंसा भड़की, उस हिंसा के दौरान, उस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 36 लोगों के घायल होने की खबर जहां से आ रही है। बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है, आप देखिए ये दरियागंज पुलिस स्टेशन का वो है और यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में जो है, हाँ, जो लोग मिलेंगे जिनके जो है अपने परिजन जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनको कल जो है बलवा और जो बवाल करने के आरोप में पुलिस ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद है जो, हाँ, इंतजार कर रहे हैं। कल रात में बहुत सारे लोगों को छोड़ा गया था, लेकिन अभी भी जो 19 लोग हैं वो अभी भी हिरासत में है पुलिस की और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, उनके परिजन भी हैं। एक चीज ये बताइए, आप लोगों का कौन है यहाँ पर अंदर? जी मेरा बेटा है। बेटा है जी है। कितनी उम्र है उसकी? 23 साल के करीब है। 23 साल जी है। तो क्या कल से यहीं पर रखा हुआ है जो है? जी हाँ, कल शाम को 6:30 बजे के आसपास वो आया था दवाई लेने के लिए यहाँ पर। हमने कहा भाई देख लिया, अब रास्ता खुल गया था, शायद दवाई मिल जाए। अरबन जाना था उसने, क्योंकि उसकी मिसेज की थोड़ी तबीयत खराब है, प्रेग्नेंट है। वो बवाल में शामिल नहीं था? वो बवाल में शामिल नहीं था जी, लेकिन फिर हमारे पास करीब 10 बजे करीब फ़ोन पहुंचा घर पे, यहीं थाने से गया, दरियागंज थाने से ही। बच्चे ने हमको कहा भाई पापा मैं दरियागंज थाने में हूँ, मेरे को आके छुटा लो आप। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ वहाँ से घर से निकले 10:15 बजे करीब, 10:25। कितने लोग रखा गया है अंदर? अंदर बता रहे हैं जो अंदर से बाकी छोड़े गए हैं, उन्होंने बताया करीब 19 लड़के। आप लोग एक चीज बताओ, जिस तरीके से पूरा कल बवाल हुआ, गाड़ियों में आग लगाई गई, पथराव किया गया जो है, क्या उन सब उसमें जो है, मतलब जब प्रदर्शन हो रहा था तब तो आप लोगों के बेटे वगैरह शामिल थे या आप लोगों के परिवारीजन शामिल थे जो है? ये जो बता रहे हैं ये मेरे समधी हैं, वो मेरे दामाद मेरी लड़की को मेरे घर मिलाने आए, तो कहने लगे आज जुम्मा है तो चलो नमाज पढ़ जाते हैं। जब 5 घंटे से यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ प्रदर्शन चल रहा था, धरना चल रहा था, बंद था, तो फिर कौन सी दवा लेने यहाँ पर गया था? मगर वो दवा वो हमारे लड़के पेट से हैं तो वो दिखाने आए थे यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो अरबन में, तो मेरे लड़के को मैं मिलाने लेकर आए। तो आपका हिंसा में कोई योगदान नहीं है? जी नहीं, हम चाहते भी नहीं। वैसे ही पकड़ लिया उन्होंने, वैसे ही पकड़ लिया जी। वो हमारे घर आए थे मेरे बच्चे को, हम हिंसा चाहते, विरोध कर रहे हैं, विरोध तक तो ठीक है चीज़ है, लेकिन जिस तरह से आगजनी, जिस तरह से हिंसा, जिस तरह ये गलत है, ये गलत है।
भाई ये तो हमारे साथ दिल्ली पुलिस भी खुद है, दिल्ली पुलिस खुद कोऑपरेट कर रही है कि भाई आप तो बिल्कुल देखिए मैं आपको दरअसल इन लोगों से बात इसलिए करा रहा था ताकि एक्चुअल पता चल सके। जिस तरह से इनके जो परिवारी जन जैसे इनका बेटा इस समय पुलिस हिरासत में है, इनका कहना है कि उसका कोई बवाल में कोई आरोप नहीं। कल भी हम जब इस दरियागंज इलाके में लोगों से बात कर रहे थे तब भी उनका यह कहना था कि हम हिंसा नहीं चाहते, हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, प्रोटेस्ट करने में किसी को कोई गुरेज नहीं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शाम ढलने के साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर पथराव शुरू हो गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिस तरीके से ये पूरा हिंसा क्रिएट किया, तो जाहिर तौर पर या तो कोई पर्दे के पीछे से सियासत कर रहा है, इनको चेहरा बना करके कोई जो है इस पूरे उस पे आग लगाना चाहता है, तो ओवरऑल कुछ भी हो लेकिन एक के बाद एक तमाम एजिटेशंस में जितने भी जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर कुछ घंटों बाद वहां पर हिंसा और आगजनी होने लगती, तोड़फोड़ होने लगती है। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों एक के बाद प्रदर्शन करना, सबका अपना जो है संवैधानिक हक है उसके तरह से करना चाहिए। प्रदर्शनकारी मौजूद थे और कितने घंटे तक वहां तांडव मचाते रहे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2:30 बजे के आसपास इस पूरे दरियागंज के इलाके में लोगों का जुटना शुरू हुए और लोग जैसे उसके बाद लगभग ये समझ के चलिए 5:30-6 बजे तक सारे यहाँ पर लोग पहले नारेबाजी करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, पुलिस फोर्स लगातार समझाने की कोशिश करती रही कि आप वापस लौट जाइए। तादाद इसके चलिए 4-5 हजार से ज्यादा यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद जैसे शाम ढली उसके बाद अचानक पीछे से पथराव आने, पुलिस पथराव शुरू हो गए, उसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई, तो पथराव किए जाने लगे और आखिरकार हंगामा पूरी तरीके से बढ़ गया। बदले में पुलिस भी बल प्रयोग किया और उसके बाद जो फायरिंग थी वहां से टीयर गैस छोड़े गए, वाटर कैनन प्रयोग किया गया, तमाम कोशिशें किया जाए और लगभग 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हाँ। लेकिन देर रात ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन 19 लोग ऐसे हैं, 19 लोगों को चिन्हित किया गया। फिलहाल 19 लोग अभी इसी दरियागंज पुलिस स्टेशन में अंदर जो है अभी फिलहाल हिरासत में मौजूद है। ऐसे में जो लोग फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है ब्रजेश, जब पता था कि 4-5 घंटों से इस तरह से वहां पर बवाल चल रहा है, प्रदर्शनकारी इस तरह से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा भी भड़क सकती है, ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर ही क्यों निकले? जिस तरह से आपने अभी बात की थी एक शख्सियत के साथ, वो कह रहे थे कि मेरा बेटा निर्दोष है और वो तो सिर्फ दवाई लेने के लिए मार्केट में गया था। जब मार्केट बंद थी, दुकानें खुली नहीं हुई थी, इसके अलावा प्रदर्शनकारी वहां पर उग्र होते जा रहे थे, तो ये परिजनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को बाहर जाने से रोके, ताकि इस तरह से अगर वो निर्दोष है तो वो फंस ना जाए, और अगर वो फंस गए हैं तो फिर पुलिस पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें छोड़ेगी। देखिए हर तरफ यही स्थिति है, पहले प्रदर्शन में शामिल होते हैं और जब गिरफ्तार होते हैं तो इनोसेंट बनते हैं। हाँ। दरअसल ये इनोसेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग खुद कल से लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हाँ। उसमें से कुछ ऐसे, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही इस तरह की प्रवृत्ति के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पूरे प्रदर्शनकारियों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंसा हो, आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, ताकि सरकार को प्रेशर में लाया जा सके, सरकार को दबाव में लाया जा सके और चीजें बदल सके। और दूसरी बात, ठीक है, सरकार को अगर दबाव में लाना चाहते हैं तो और भी तो तरीके हैं, जनता को क्यों खामियाजा भुगतना पड़ता है, आमजन क्यों पिस जाता है? निश्चित तौर पर देखिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सवाल ये है कि आपको गाड़ियों को आग लगा रहे हो, आप जो है तमाम चीजें कर रहे हैं, आप ये बताइए आपका कौन है? बेटा। बेटा है जो है, तो क्या बवाल में शामिल था क्या वो? नहीं है। कब से पुलिस ने रखा हुआ है? कल से ही है। कल से जो है, कितनी उम्र है बेटे की? 24 साल है। 24 साल है जो है। तो क्या करने आया था यहाँ पर? वो दुल्हन को लेने आया था, मेरी बहू को। तो ये बवाल चल रहा था तो उसमें निकला था और जो है प्रदर्शन में शामिल नहीं था? नहीं है? कोई तोड़फोड़ कोई वो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। आपका कौन है यहाँ पर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अभी मैं लेडी से बात कर, उनका भी बेटा यहाँ पर पुलिस हिरासत में है, उनका भी कहना है कि वो उस प्रदर्शन में शामिल नहीं था, बवाल में शामिल नहीं था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब सब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर कल शायद अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले अगर ये चीजें सोच ली होती तो शायद स्थिति तो यहाँ तक नहीं पहुंचती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश श्रीवास्तव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल जामा मस्जिद इलाके से हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।